महाराजगंज में समाज और देश में गलत और सही के बीच के फर्क को अपनी कलम की बदौलत समाज के हर वर्ग तक निडर और सशक्त रूप से रखने वाले कलम के सिपाहियों को सम्मानित करने का कार्य मुझे पूर्व में ही करना था, परंतु अस्वस्थता के कारण आज इस पुनीत कार्य को कर रहा हूँ। उक्त बातें रविवार को ब्रजमनगंज ब्लॉक के फुलमनहा अंतर्गत जगदेवपुर गांव के समाजसेवी एवं फार्मासिस्ट डॉक्टर चौधरी अमर सिंह ने स्थानीय पत्रकारों का सम्मान समारोह करते हुए कहा। इस दौरान श्री चौधरी पत्रकारों के सुख दुख की चर्चा कर उन्हें उपहार प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि समाज और देश में पत्रकारों की भूमिका अहम है। देश के संविधान में पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन सरकार द्वारा पत्रकारों को कोई संरक्षण न देना संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगता है। समिति संसाधन बिना वित्तीय सहयोग के पत्रकार गण अपनी जान की बाजी लगाकर खबरों के तह तक जाकर सही चीज को आमजन तक पहुंचाते हैं। एक पत्रकार पूरे तंत्र के सिस्टम को झकझोर देता है। अपने कलम की ताकत से अकेला ही पूरे देश में अपनी लेखनी के बल पर आंदोलन खड़ा कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है सरकार उनकी आर्थिक सुविधाएं प्रदान तो करती ही नहीं है। इससे ज्यादा चिंतनीय विषय ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए भी शासन प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता है। समाज के हर आमजन को मांग करनी चाहिए कि जिस तरह लोकतंत्र के तीन स्तंभों को सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह पत्रकारों की भी सुविधा प्रदान की जाए। उपस्थित सभी पत्रकारों ने श्री चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। इतना है कि डॉक्टर अमर सिंह पत्रकारों के लिए पत्रकारों के साथ लगातार रहे हैं, उनका सम्मान करते रहे हैं, यह कार्यक्रम ये समय समय पर करते रहे हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम करके क्षेत्र के समस्त पत्रकारों का सम्मान किया है और मैं इनके तो सभी पत्रकारों की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। दिवस में दिवस हो गया था वो मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि जो अपने लोकल क्षेत्रीय पत्रकार बंधु हैं उनको बुला के घर से सम्मानित करें, तो वो हो नहीं सका। आज अचानक में ऐसे ही इच्छा बनी कि बुलाया जा, सब लोगों ने आदर किया मेरा और आए मेरे यहाँ और इसे समारोह को सफल बनाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।